गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट, वेलकम टू माय संस्कृत क्लास। जैसा कि हमने पिछले प्रकरण में पढ़ा था कि धातु रूप किसे कहते हैं और उसका जो भी इसमें संस्कृत अनुवाद थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया था, आज मैं वापस बता रही हूँ आपको। धातु वह होता है जो क्रिया का मूल शब्द होता है। क्रिया के मूल शब्द को धातु कहते हैं। जैसे क्रिया हम लोग हिंदी में लिखते हैं खाना पीना, वैसे संस्कृत में हम लिखते हैं गम, गच्छ, पा, नी आदि आदि। और इसके बाद में हम लोग इसमें अव्यय प्रत्यय लगाकर इसको हम क्रिया में परिवर्तित करते हैं, जो पुरुष और वचन के अनुसार लगाई जाती है। और मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था, और उसके बाद हम लोग यह पढ़ रहे हैं कि संस्कृत में अनुवाद किस प्रकार किया जाता है। पहले हम पढ़ रहे थे लकार। लकार में इससे पता है आपको काल, जब हम काल का प्रयोग करते हैं संस्कृत अनुवाद करने के लिए तो काल में हम लकार का प्रयोग करेंगे। लकार मैंने आपको बताया था मुख्य रूप से 5 लकार है जो हम व्याकरण में काम में लेते हैं, लट लकार, लिट लकार, लिण लकार, लोट लकार और विधि लिंग लकार। और सबसे पहले मैंने आपको लट लकार बताया था। लट लकार में होता है भविष्य वर्तमान काल, और मैंने कुछ उसके सेंटेंस भी बताए थे आपको। अब आपको आगे पढ़ा रही हूँ। लट लकार जब हम कभी भी प्रयोग करते हैं इन लकारों को या काल को, तो हमें सबसे पहले क्या देखना चाहिए, सबसे पहले उस वाक्य को, वाक्य का काल देखना चाहिए कि वाक्य का समय क्या है, उसके बाद पुरुष देखना चाहिए और उसके बाद में वचन देखने चाहिए। और लट लकार भी मैंने आपको जो बताए थे, मैं एक सारिणी के द्वारा आपको ये समझा रही हूँ किस प्रकार से हमें ये यूज करने चाहिए। सबसे पहले मैंने आपको यह बताया था कि इसमें पुरुष, पहले पुरुष का प्रयोग पर पुरुष लिखे जाएंगे, फिर आपके वचन लिखे जाएंगे। इस प्रकार से हमारा यह प्रयोग होता है। जिस प्रकार से हम कर्ता धातु रूप प्रकरण का प्रयोग, धातु रूप का प्रयोग कब करते हैं, जिस प्रकार का पुरुष होगा उस प्रकार का हमें धातु रूप का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे पहले हम करेंगे पुरुष, प्रथम पुरुष, सेकेंड आपको याद होना चाहिए मध्यम पुरुष, और तीसरा है आपके उत्तम पुरुष। ये हमारे पुरुष है। और आपको पता है प्रथम पुरुष में कौन होता है? प्रथम पुरुष में हमेशा जिसके बारे में कहा जाता है वह पर्सन होता है। मध्यम पुरुष में जो बोल सुन रहा है वह होता है, और उत्तम पुरुष में जैसा कि बताया मैंने आपको कहने वाला होता है। और प्रथम पुरुष में हम लोग जो सर्वनाम शब्द यूज करते हैं वह है स, तो, ते, सा, ते, ता। मध्यम पुरुष में युष्मत् शब्द त्वाम, युवाम, यूयम, और उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम। अब आपके वचन, एक वचन, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब हम पहले लट लकार का इस्तेमाल करना सीखेंगे। अगर प्रथम पुरुष में हम इसमें पट धातु लेते हैं पहले। अब पट धातु में हम किस प्रकार से बनाएंगे वह देखते हैं। पट मीन्स पढ़ना, पट मीन्स पढ़ना। पट धातु में लेते हैं हम लोग प्रथम पुरुष में, पढ़ती, पठत और पठंती। मध्यम पुरुष में पठसी, पठत, पठत।
उत्तम पुरुष में पठामी पठाव एंड पठाम ये है हमारे धातु शब्द या क्रियाएं। अब इन क्रियाओं को हमें आपको हम किस तरह से यूज करना है वो आपको मैं बताती हूँ। प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष एंड उत्तम पुरुष एकवचन द्विवचन एंड बहुवचन। अब आपको जैसे पता है प्रथम पुरुष मैंने बताया था सर्वनाम शब्द में प्रथम पुरुष में जिस व्यक्ति के बारे में कहा जाता है उसकी हम हिंदी में बोलते हैं उन्हें वह वह दो यानी वह। अब तीसरे व्यक्ति वह है तो उसको हम संस्कृत में क्या बोलेंगे स। क्या बोलेंगे स। अगर दो है तो हम बोलेंगे उसको तो और बहुत सारे हैं तो ते। उसी प्रकार हमें स्त्रीलिंग में भी स का सा हो जाएगा तो का ते हो जाएगा और ते का ताहा हो जाएगा। यानी लिंग को देखते हुए हमें इसके जो सर्वनाम शब्द है उनको यूज करना पड़ेगा उपयोग में लाना पड़ेगा। अब जैसा कि आपने देखा प्रथम पुरुष में स तो ते है। अब प्रथम पुरुष के जो प्रथम एक वचन के साथ में हमें हमेशा लकार का एक वचन को जोड़कर वाक्य बनाना है। वैसे ही प्रथम पुरुष के द्विवचन को देखकर हमको लकार के द्विवचन की क्रिया लगानी है। ऐसे जिस प्रकार से क्रिया और जो सर्वनाम शब्द है उनको जैसे एक वचन है तो एक वचन लगाना है द्विवचन है द्विवचन लगाना है बहुवचन है तो बहुवचन लगाना है। जैसे हम एक बनाते हैं एक सेंटेंस मैंने बनाया आपके सामने वह पढ़ता है। पढ़ता है यानी वर्तमान काल चल रहा है इसमें लट लकार है। अब लट लकार मैंने आपको बताया है कि धातु शब्दों के साथ में क्रिया शब्दों के साथ में पुरुष भी वही लगाना है। जैसे स है तो स क्या है एक वचन प्रथम पुरुष एक वचन है। वैसे इसको आप में इसमें क्रिया का आपको एक वचन का प्रथम पुरुष का एक वचन यूज करना है। स क्रिया एक वचन पढ़ती सेकेंड है आपके तो द्विवचन द्विवचन प्रथम पुरुष द्विवचन के साथ में आपको प्रथम पुरुष द्विवचन धातु ही यूज करना है। देखिए जरा आप प्रथम पुरुष द्विवचन क्या है तो है तो के साथ में इधर आप धातु में देखिए द्विवचन में क्या है पठत है तो हमेशा तो के साथ में पठत का ही यूज होगा वर्तमान काल या लट लकार के अंदर। तो हम करेंगे इसमें तो मीन्स दो वह दो पढ़ते हैं या वह दोनों पढ़ रहे हैं। अब देखिए द्विवचन है इसमें पढ़ रहे हैं क्या है आपके वर्तमान काल है तो वर्तमान काल के साथ में द्विवचन देखिए जरा आप प्रथम पुरुष आगे है वह यानी कि जिसके बारे में हम कह रहे हैं तो उसमें प्रथम पुरुष में आता है प्रथम पुरुष द्विवचन क्या लगेगा आपके वह की जगह वह दोनों की जगह पे तो और साथ में इसी का ही धातु रूप लगाने के लिए हमें द्विवचन का प्रथम पुरुष का द्विवचन ही यूज करना पड़ेगा। तो पठत आपके समझ में आ रहा होगा। थर्ड है आपके बहुवचन। बहुवचन में हम लोग एक हिंदी वाक्य बनाते हैं हम वह सब या वे सब पढ़ते हैं वे सब पढ़ते हैं। आप जरा देखिए पढ़ते हैं आपके क्या है वर्तमान काल में आ रहा है रहे रही है
ता है ती है सब वर्तमान काल में आ रहा है। अब वर्तमान काल में हम संस्कृत में क्या यूज करते हैं, कौन सा लकार यूज करते हैं, लट लकार। और लट लकार हम पढ़ रहे हैं। अब आपको बताना है, अब देखिए इसका पुरुष क्या है, पुरुष प्रथम पुरुष ही चल रहा है हमारा भी, प्रथम पुरुष। और इसमें आ रहा है सब, सब मीन्स बहुवचन यानी दो से अधिक, और दो से अधिक होने पर ये बहुवचन में आ जाता है। तब आप देखिए सर्वनाम शब्द देखिए, इधर एक प्रथम पुरुष का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तो वह सब के लिए हम हमेशा ते इस्तेमाल करेंगे या ते का उपयोग करेंगे। और साथ में धातु रूप लगाने के लिए, धातु रूप लगाने के लिए प्रथम पुरुष का बहुवचन यूज़ करेंगे, बहुवचन के साथ में बहुवचन क्रिया लगेगी। अब देखिए बहुवचन क्या है इसका, पठंती, ते पठंती यानी वे सब पढ़ रहे हैं, वे सब पढ़ते हैं। हमेशा ध्यान रखना वाक्य बनाने से पहले आपको, या संस्कृत वाक्य बनाने समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले आप उस वाक्य में काल देखिए, लिंग देखिए, वचन देखिए और पुरुष देखना बहुत ही अनिवार्य है। जब तक पुरुष और वचन का आपको ज्ञान नहीं होगा तब तक आप धातु रूप कभी समझ नहीं सकोगे और धातु रूप का प्रयोग भी आप लोग नहीं कर पाओगे। और इस तरह से आप उपयोग करोगे कि पुरुष के एक वचन को देखकर, द्विवचन को देखकर, बहुवचन को देखकर, उसी के साथ में एक वचन के साथ एक वचन, द्विवचन के साथ में द्विवचन की क्रिया और बहुवचन के साथ में बहुवचन की क्रिया को इस्तेमाल करके आप इस प्रकार से संस्कृत अनुवाद कर सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। हाँ बच्चों, अब मैं आपको कुछ होमवर्क के लिए कुछ सेंटेंस डाल रही हूँ, उसका आप संस्कृत में अनुवाद कीजिएगा और को प्रैक्टिस करना। और मैं आपको सिर्फ प्रथम पुरुष के ही सेंटेंस डालूँगी क्योंकि प्रथम पुरुष ही मैंने अभी तक आपको समझाया है। वापस अगेन मैं आपको ये समझा रही हूँ कि प्रथम पुरुष में सर्वनाम प्रथम पुरुष के साथ में पट धातु या जो भी लकार होती है उसके प्रथम पुरुष एक वचन के साथ में एक वचन, देव के साथ द्विवचन और बहुवचन के साथ बहुवचन यूज़ करना है आपको। और सर्वनाम शब्द भी मैंने बताया आपको, स तोते पुल्लिंग, सातेता स्त्रीलिंग। जैसे कि एक लड़की पढ़ रही है, हम लिखते हैं लता पढ़ रही है या लता पढ़ती है, लता पढ़ रही है। तो आपको अगर नाम लिखा है तो आपको नाम का ही इस्तेमाल करना है, लता, लता एक ही है और प्रथम पुरुष की है तो क्या लिखेंगे, प्रथम पुरुष में एक वचन में पढ़ती, लता पढ़ती। अगर इसकी जगह आपके आ गया है वह पढ़ती है यानी स्त्रीलिंग, वह पढ़ती है, पहले हम पुल्लिंग पढ़ते हैं, हम स्त्रीलिंग पढ़ रहे हैं, देखो जरा वह पढ़ती है, पढ़ती है क्या है, स्त्रीलिंग है, साथ में है वर्तमान काल है और वह प्रथम पुरुष है, इसलिए हमें वह की जगह स्त्रीलिंग में, जैसे हम पुल्लिंग में स लगाते हैं, स्त्रीलिंग में हम लोग प्रथम पुरुष एक वचन में स्त्रीलिंग में सा का प्रयोग करेंगे। वह की जगह हम लिखेंगे सा और धातु रूप वही के वही आएगा, धातु रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सा पढ़ती यानी वह पढ़ रही है। अगर दो लड़कियां पढ़ रही है, दो स्त्रीलिंग पढ़ रही है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, जैसे वह दो पढ़ रही है या वे दो पढ़ रही है, वे दो पढ़ रही है। अब देखो वर्तमान काल तो है, लट लकार यूज करेंगे, साथ में स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द यूज करेंगे, साथ में आपके यहाँ पर द्विवचन है। अब देखिए द्विवचन में क्या लगता है, वही पठत, और लेकिन यहाँ पर स तो की जगह पर स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग शब्द आएगा ते, तो वेदों के लिए हम लोग ते यूज करेंगे, ते पठत। वैसे ही आपको बहुवचन बनाने के लिए, जैसे कि वह सब पढ़ रही है या पढ़ती है, वर्तमान काल लट लकार, वह सब बहुवचन,
पड़ती है स्त्रीलिंग, तो क्या लेंगे हम लोग? पुल्लिंग में ते लगता है बहुवचन में सर्वनाम शब्द, स्त्रीलिंग में लगेगा ताहा, और ताहा बहुवचन का है यानी कि वे सब, तो वह सब की जगह हम लोग स्त्रीलिंग में लेंगे ताहा। और वापस धातु पे आ जाइए आप लोग, बहुवचन का धातु क्या बनेगा? पठंती, तो ताहा पठंती, वे सब पढ़ रही है, वे सब पढ़ती है। अब मैं आपको कुछ होमवर्क डालती हूँ जो आप घर पर प्रैक्टिस करना, और ये प्रथम पुरुष के ही स्त्रीलिंग के, स्त्रीलिंग के पांच आपको तो स्त्रीलिंग में बनाने सेंटेंस और पांच पुल्लिंग में बनाने हैं, और प्रथम पुरुष ही यूज़ करना जो मैंने आपको समझाया था, क्रियापद पढ़ती पढ़त पठंती और सर्वनाम शब्द स तोते साते ताहा, इनको यूज़ करके आपको ये क्रियापद बनाने हैं और साथ में सेंटेंस बनाने हैं। साथ में आपको पट की जगह आप लोग खाद भी लिख सकते हो। मैंने आपको बताई थी सुबह क्रियाएँ कौन कौन सी है, उन क्रियाओं को ध्यान में रख के आप उनका प्रत्यय लगाना अति अत अंति, और आप सेंटेंस जरूर बनाना। मैं आपको कुछ कार्य डाल रही हूँ। वह पढ़ता है, वह खाती है, वे दोनों खा रहे हैं, वे दोनों पढ़ रही है, वे सब खेल रहे हैं। ऐसे ही आपको और भी बनाने हैं। ध्यान रखना, खेलने को बोलते क्रीड, ये मैं आपको यहाँ पर आपको डाल रही हूँ, खेलने को बोलते हैं क्रीड, पढ़ने को पठ, ये धातु है इसकी, और साथ में आपके खाने को बोलते हैं खाद, इनका प्रयोग करना धातु का, और पीछे आपको यह यूज करने हैं प्रत्यय। प्रिय विद्यार्थियों, आगे नेक्स्ट मीटिंग में पढ़ेंगे। थैंक यू।